इंदौर में छोटे व्यापारियों को नगर निगम ने बड़ी राहत दी है। जी हां, निगम अपर आयुक्त देवेंद्र सिंह ने निर्देश दिए हैं कि ठेला व्यापारी और रेहड़ी वालों पर स्पॉट फाइन की कार्रवाई नहीं की जाएगी, जबकि उन्हें समझाइश देकर उनसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का आग्रह किया जाएगा। देखिए इस रिपोर्ट में। दरअसल सोमवार को स्मार्ट सिटी ऑफिस में निगम अपर आयुक्त देवेंद्र सिंह ने सभी अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया, कोरोना संकट के चलते छोटे व्यापारियों एवं रेहड़ी वालों का आर्थिक बजट गड़बड़ा गया है, तो निगम चाहता है कि उन्हें थोड़ी बहुत राहत दी जाए। ऐसे में निगम ने निर्णय लिया है कि ठेला व्यापारी और रेहड़ी वालों पर स्पॉट फाइन की कार्रवाई नहीं की जाएगी, जबकि उन्हें समझाइश देकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का आग्रह किया जाएगा। ऐसा है, देखिए कि कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसमें जैसे जैसे लॉकडाउन में ढील हुई है और मार्केट खुले हैं, उसे उसे थोड़ी सी भीड़ भाड़ और उसके दुष्प्रभाव भी दिखने लगे हैं। लोगों में समझ है, लेकिन जानबूझ के कई लोग गलतियां कर रहे हैं, मास्क नहीं लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे। इसलिए नगर निगम ने जिला प्रशासन के आदेश निर्देश पर और निगम आयुक्त महोदय के आदेश निर्देश पर सख्ती से कार्रवाई की और काफ़ी मेरी हजारों की तादाद में चालान किए। लेकिन अभी निगम कमिश्नर मैडम का ये कहना है, उसी के संदर्भ में ये समझाइश देने के लिए बुलाया कि जो बहुत ही गरीब हैं और ठेला वाले हैं या रेहड़ी वाले हैं, फुटपाथ पर धंधा करने वाले हैं, इनको चालान से फिलहाल मुक्त रखना है, समझाइश देनी है, मास्क लगवाना है समझा के और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करवाना है, लेकिन अभी जुर्माने से इनको, बहुत गरीब लोगों को, मुक्त रखना है, एक बात। और जो बड़े चालान भी अब थोड़ा सा बनाने में थोड़ी सी नरमी बरतने के निर्देश हैं, वो सभी जेडो को, सीएसआई को, एआरओ को निर्देशित किया गया है। वहीं अब सोशल डिस्टेंसिंग पर भी 1,000 रुपए से ज्यादा का स्पॉट फाइन नहीं होगा। इसके साथ ही निगम द्वारा मास्क भी बांटे जाएंगे। आपको बता दें कि इस कार्रवाई का विरोध भाजपा नेता कृष्ण मुरारी मोघे के साथ ही पूर्व पार्षद दिलीप शर्मा ने भी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।